हे गाइज, यू वॉचिंग पिकवर्स। तो गाइज, आज से हम एक न्यू सुपर हीरो कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं, द न्यू एवेंजर इल्यूमिनाटी। सो गाइज, एवेंजर के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस और लोगों का फेवरेट सुपर हीरो ग्रुप है वो है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक गुप्त संगठन होता है जिसके दुनिया के कई शक्तिशाली हीरो शामिल होते हैं। इल्यूमिनाटी के सबसे पहले मेंबर होते हैं सोर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज, दूसरे होते हैं ब्लैक बोल्ट किंग ऑफ द इनह्यूमन, तीसरे होते हैं चार्ल्स एक्जेवियर फाउंडर ऑफ एक्स मैन एंड म्यूटेंट, चौथे मेंबर होते हैं रीड रिचर्ड्स फाउंडर मेंबर ऑफ द फंटास्टिक फोर, पांचवे मेंबर होते हैं नेमोर द सब मरीनर, और छठे और आखिरी मेंबर होते हैं आयरन मैन द फाउंडर मेंबर ऑफ अवेंजर। इन छह सुपर हीरो ने मिलकर सारी दुनिया और उसके आसपास के दुनिया की स्थिति को बनाए रखने के लिए काम किया है ताकि पृथ्वी के बाहर से कोई खतरा पृथ्वी तक ना आ सके। इस ग्रुप के सदस्यों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए इल्यूमिनाटी का अस्तित्व उनके साथियों और परिवारों सहित सभी के लिए एक रहस्य होता है। वर्षों पहले क्री साम्राज्य और स्क्रल साम्राज्य के बीच अकाल्पनिक रूप से युद्ध छिड़ा होता है। इन दोनों डेवलप्ड सिविलाइजेशन का युद्ध न केवल सितारों में बल्कि पृथ्वी के सतह पर भी फैल गया। ताकतवर अवेंजर खतरे को दूर रखने में सक्षम थे, अंततः स्क्रल के हमले के बेड़ों को नष्ट कर दिया और उन्हें समाप्त कर दिया। स्क्रल्स वॉरशिप हेडक्वार्टर क्री के साथ युद्ध समाप्त हो गया है। स्क्रल स्पेसशिप, इस पिछड़े ग्रह के एक व्यक्ति द्वारा हमारे पूरे बेड़े को अपंग बना दिया गया। एक अकेला आदमी और मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि यह घिनौना काम कैसे संभव है। स्कल किंग कहता है, हम किसी भी परिभाषा के अनुसार एक श्रेष्ठ जाति हैं। यह भविष्यवाणी की गई है कि पृथ्वी ग्रह हमें लेना है, तो यह कैसे हुआ कि हमारे पास पृथ्वी ग्रह नहीं है? यह कैसे हो सकता है कि हम एक सच्चे योद्धा जाति को हमारे लोगों द्वारा पहले कभी याद किसी भी हार से बड़ी हार हुई है? एक ओल्ड स्कल जो शायद राजा का सलाहकार होता है, वह राजा से कहता है, महामहिम, स्कल आर्मी की सेना क्री सेना के हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं थी। और जब उन्होंने हस्तक्षेप, वह ओल्ड स्कल जैसे ही अपनी बात पूरी करता, उससे पहले किंग स्कल उसे बोलता है, अगर तुम वो बात पूरी करते हो जो तुम सोच रहे हो तो अपनी मौत को पाओगे। वह ओल्ड स्कल डरता हुआ कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सभी पवित्रताओं में पवित्र हैं। पृथ्वी में अद्वितीय व्यक्तियों की असामान्य रूप से एक बड़ी संख्या है जिसे वे होमो सुपीरियर कहते हैं, और उस घृणित ग्रह पर वे अपने विभिन्न समाजों में रहते हैं और कार्य करते हैं। यह समूह म्यूटेंट हर साल हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। उन सुपर हीरो बुलाए जाने वालों के साथ स्थिति के बढ़ने के साथ और क्री के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हम पृथ्वी को फ्रंटल अटैक से नहीं जीत सकते। और जब भी पीछे से आवाज आती है, मेरा नाम रीच रिचर्ड है, मैं अर्थ के फंटास्टिक फोर से हूँ, और मैं हूँ आयरन मैन द अवेंजर, मैं प्रिंस नेमोर हूँ रूलर ऑफ अटलांटिक, और मैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट, मैं प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर हूँ वह म्यूटेंट जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, और मेरे बगल में है ब्लैक बोल्ट रूलर ऑफ इनह्यूमन। डॉक्टर रीड रिचर्ड कहते हैं, हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि पृथ्वी पर आक्रमण की तुम्हारे एक और प्रयास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि तुम पृथ्वी के अंतरिक्ष में इतना भी आते हो तो हम एक साथ होने और तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चार्ल्स एक्जेवियर कहते हैं, यह एक वार्निंग है। यह सब सुनने के बाद स्कल किंग गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आकर मुझे धमकाने की? अर्थ प्लेनेट अब हमारा है। डॉक्टर रीड रिचर्ड कहते हैं, मैं तुम्हें कह देता हूँ, यह कभी नहीं हो सकता। और क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं? स्कल किंग कहता है, मेरे शासन में तुम्हारी प्रजाति का हर एक सदस्य मार दिया जाएगा और आपका परिवार मेरी सबसे पहली पसंद होगी। रीड रिचर्ड कहते हैं, जाहिर है मुझे यह सुनकर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ। टोनी कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक बोल्ट आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? और सारे इल्यूमिनाटी मिलकर हमला कर देते हैं। ब्लैक बोल्ट के मुंह खोलते ही पूरा शिप तबाह हो जाता है और इल्यूमिनाटी वहां से निकल जाते हैं। और हम यहां देखते हैं कि सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर बहुत खुश होते हैं और वहां से निकल ही रहे होते हैं। जबी नेमोर हंसता हुआ कहता है, उधर देखो, मजा आया, वह बिल्कुल सही था। डॉक्टर रीड रिचर्ड कहते हैं, हमने वही किया जो हमें करना था, इसमें खुश होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही हमें मारने की और हमारे ग्रह को लेने की कोशिश की है, और वे इसे फिर से आजमाने की योजना बना रहे थे, और हमने यह शुरू नहीं किया था, और अगर तुम लोग मजे नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे हिस्से का भी मजा भरपूर लूंगा। तभी अचानक से हमला होता है। नेमोर कहता है, क्या? उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहते हैं, क्या था वो? टोनी कहता है, सीट बेल्ट पहनो, यह स्कल्स का हमला था, वे पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, वे इल्यूमिनाटी पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं जो कर सकता हूँ वह मैं करता हूँ। चार्ल्स एक्सेवियर, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पायलट के दिमाग में जाने की और उन्हें मजबूर करता हूँ ताकि वे अटैक को रोक दें। चार्ल्स एक्सेवियर अपने माइंड कंट्रोलिंग पावर से स्कल के पायलट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
कहते हैं थोड़ा मुझे टाइम दे दो बस। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, स्कल्स ने इल्यूमिनाटी के शिप को पूरी तरीके से उड़ा दिया था। सभी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और अंतरिक्ष में तैर रहे थे। इल्यूमिनाटी बुरी तरीके से हार चुके थे। थोड़ी देर बाद स्कल सैनिक दूसरे स्कल सैनिक से कहता है, हमारे राजा को बता दो कि आज का दिन आखिरकार हमारे साम्राज्य के लिए सही रहा। एक स्कल साइंटिस्ट कहता है, हमारे प्रारंभिक अध्याय और पृथ्वी बंदियों के एक नमूने बहुत दिलचस्प है। पृथ्वी का या हीरोज का समूह हमारे लिए अध्ययन और राज के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा स्कल साइंटिस्ट कहता है, आखिरकार हमें रीड रिचर्ड के ऊपर एक्शन करने का मौका मिल गया ताकि अपनी थ्योरी को हम प्रूव कर सके। एक दूसरी जगह एक साइंटिस्ट कहता है, ये देखो यह नेमोर है, यह पानी का जीव है, यह अपने आप को होमो सुपीरियर बताता है। इसकी नमी का स्तर 0.9% रखो, बट उसे मारना मत जब तक हमें वह नहीं मिल जाता जो हमें चाहिए। एक दूसरी जगह स्कल साइंटिस्ट कहता है, यह ब्लैक बोल्ट है, इसका वोकल कोड हमने निकाल दिया है। दूसरा साइंटिस्ट कहता है, क्या तुमने इसे फाड़ दिया? पहला साइंटिस्ट कहता है, नहीं, अभी हमें यह निर्धारित करना है कि वह ध्वनि कहाँ से आती है, जो इतनी विशालकारी शक्ति कैसे उत्पन्न करता है। जिन चीज़ों से निपट रहे हैं उन्हें जाने बिना फाड़ देना पूरे शहर राज्य को नष्ट कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को एक अजीब से गोले में बांध रखा होता है। यह जादूगर हमें भ्रमित करता है, इसलिए हमें पुजारी को बुलाना पड़ा विवोको द्वीप से। वे रास्ते में हैं, आते ही होंगे। दूसरा साइंटिस्ट कहता है, क्या हम इसे खोल देंगे? साइंटिस्ट कहता है, हाँ। उसके बाद वही दूसरी जगह आयरन मैन द अवेंजर, वह सिर्फ एक नाजुक चंचल इंसान है जिसने अपनी सभ्यता के मनुष्यों से आगे बढ़ते हुए खुद के लिए एक रोबोट कवच बना लिया है। इनमें से बस यह इंटरेस्टिंग है जो स्टार्क के धड़कन को चला रहा था। बाकी सभी को डिसमेंटल कर दो। किसी जगह पर किसी सलाखों के पीछे टोनी कैद होता है। वहाँ अपने आप से कह रहा होता है, बस थोड़ी देर और सांस लेते रहो, बस थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद कोई स्कल सैनिकों को मारने लगता है। उन्हें यह देख के यह पृथ्वी के अवेंजर थे। कैप्टन अमेरिका कहता है, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं दोस्त, उठो हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन आयरन मैन को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि अवेंजर्स को कैसे पता चला इल्यूमिनाटी कहाँ है, क्योंकि इल्यूमिनाटी एक गुप्त संगठन है। आयरन मैन कहता है, सही में क्या बात है, तुम्हें पता है? लेकिन स्कल एम्पायर के साथ समस्या यह है कि वे अपने विरोधियों को हमेशा कम आंकते हैं। शब्दों में कहूँ तो तुम लोग सोचते हो कि बेवकूफ़ हैं। जब भी वांडा का भाई कहता है, मैंने कहा था ये टाइम की बर्बादी होगी। वांडा कहती है, या उससे जानकारी प्राप्त करने का तरीका नहीं है, हमें उस पर चर्चा करनी होगी। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है, नहीं रुको, यह इंटरेस्टिंग है। वांडा कहती है, क्यों? थॉर कहता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके दोस्त उसे यहाँ बचाने आएंगे। किसी को नहीं पता कि ये लोग यहाँ हैं, इनको बचाने कोई नहीं आएगा। जब भी टोनी सभी को मारने लगता है और फाइट के दौरान पता चलता है कि यह सभी अवेंजर नहीं स्कल थे। आयरन मैन एक एक करके सभी को मारता है और उन सभी बैरूवियों को हराने के बाद आयरन मैन अपने साथियों को बचाने जाता है। सबसे पहले वह प्रोफेसर चार्ल्स एक्सजेवियर को बचाता है। चार्ल्स एक्सजेवियर अपने माइंड कंट्रोलिंग पावर से सभी स्कल गार्ड को बेहोश कर देते हैं। टोनी कहता है, क्या आप ठीक हैं चार्ल्स एक्सजेवियर? चार्ल्स कहते हैं, लगता तो नहीं। टोनी प्रोफेसर से पूछता है, क्या आपने मेरा सूट देखा? प्रोफेसर कहते हैं, नहीं। लेकिन टोनी, तुम्हारा हार्ट कहाँ है? टोनी कहता है, पता नहीं, पर बाकी सब कहाँ है? चार्ल्स एक्सजेवियर कहते हैं, टोनी तुमसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग नेमोर को बचा लेते हैं। नेमोर बाहर आते ही कहता है, मुझे बस किसी को मारना है। जब भी चार्ल्स एक्सजेवियर बताते हैं कि अरमाडा को बुला लिया गया है, टोनी पूछता है, कितने शिप है? नेमोर पूछता है, क्या अरमाडा, क्या वो सारे हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बचा लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ टोनी नीचे गिर जाता है और वह चिल्लाने लगता है। नेमोर कहता है, क्या हो रहा है टोनी को? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, उसका दिल उसके पास नहीं है। टोनी, मेरी आंखों में देखो। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से कुछ समय के लिए टोनी के धड़कन को धड़का देते हैं, टोनी पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं, बस मैंने कुछ समय के लिए तुम्हारे धड़कनों को पंप किया है जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। वह लोग ब्लैक बोल्ट को भी बचा लेते हैं और वह सभी रिचर्ड को खोजने चले जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जो वह देखते हैं उसको देखने के बाद सभी शौक हो जाते हैं। वह सभी स्कल्स आर्मी और साइंटिस्ट के ऊपर टूट पड़ते हैं। टोनी, हे भगवान, ये क्या किया? डॉक्टर स्ट्रेंज, किसी को छोड़ना मत टोनी। तभी मिलकर रीड रिचर्ड को बचा लेते हैं। नेमोर पूछता है, कौन सा वाला टोनी? टोनी बोलता है, सबसे बड़ा वाला। सुनकर चार्ल्स एक्सजेवियर टोनी से पूछते हैं, क्या तुम्हें स्कल शिप चलाना आता है टोनी? चलाने का बस एक ही तरीका है और जो वहां जाकर पता चलेगा। वे लोग स्कल गार्ड को मारते हुए एक स्पेसशिप चुरा के भागने लगते हैं। लेकिन वहां से निकलना इतना आसान नहीं था, स्कल्स हमला कर देते हैं। चार्ल्स एक्सजेवियर ब्लैक बोल्ट से पूछते हैं, क्या तुम्हारे लिए पीछे का दरवाजा खोल दें ताकि तुम उन सभी को उड़ा सको? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज
रोकते हुए कहते हैं, नहीं, हम लगभग वातावरण से बाहर हैं। किड रिचर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि क्या तुम कोई ऐसा इल्यूजन कर सकते हो जिससे वे हमारा पीछा छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ऐसा कोई इल्यूजन नहीं है जो इतने सारों को एक साथ देव को बना सके। लेकिन जब ही चार्ल्स एक्जेवियर कहते हैं, क्या होगा अगर मैं मानसिक शक्तियों से तुम्हारी मदद करूं? जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे पता है कि वह कौन है और वह किसकी इमेज है। स्ट्रेंज और चार्ल्स एक्जेवियर दोनों अपनी पावर को मिलाकर गैलेक्टस को बनाते हैं जो सिर्फ स्कल्स के दिमाग में था, और वह उसे देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। यह प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन इल्यूमिनाटी के चेहरे पर अभी भी उदासी होती है। नेमोर कहता है, वह हमारे लिए जरूर आएंगे। चार्ल्स एक्जेवियर कहते हैं, वह हमारे लिए पहले ही आ चुके हैं। टोनी कहता है, नेमोर सही कह रहा है, लेकिन इल्यूमिनाटी को पता था कि स्कल्स कितने बड़े खतरे हैं और वो पृथ्वी पर जरूर आएंगे। इल्यूमिनाटी वह पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्कल्स हेडक्वार्टर। स्कल सिपाही कहता है, हे महाराज, नुकसान की जानकारी यह है कि, लेकिन उसे स्कल किंग रोक देता है। स्कल किंग कहता है, हमें जो उनसे चाहिए था क्या वह हमें मिल गया? सिपाही कहता है, जी महाराज। स्कल किंग कहता है, जाके उन्हें बोल दो उन्हें जितना टाइम चाहिए वह ले लें, लेकिन वह काम जल्दी पूरा करे, मैं वेट कर लूँगा। स्कल किंग किस काम की बात कर रहा था, उसने इल्यूमिनाटी से क्या लिया, इसकी जानकारी के लिए चैप्टर 2 देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और सॉरी गाइस फॉर बैकग्राउंड नॉइज़।